हे दोस्तों, तो चलिए आज मैं आप लोगों को ले चलती हूँ रिलायंस, जहाँ पे 70% तक छूट है और बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन है। तो मैं भी वहाँ गई और जाते ही ईवा की बदमाशियाँ शुरू हो गई। और मैंने कुछ देखे, ये ड्रेस था, बहुत ही अच्छा लग रहा, फ्लोरल प्रिंट का था और जॉर्जेट का था और ये 699 का था, बहुत ही अच्छा था। डेली वेयर में आप इधर उधर भी कहीं अगर जा रहे हो तो पहन के जा सकते हो। इनके पास कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा ही है और ये सारे साइजेस अवेलेबल हैं, आप जिसमें भी आपको कौन सी भी साइज चाहिए यहाँ पे अवेलेबल है। और ये मैं तो फिर मैं घूमते घूमते देखी कि कुर्ती थे कुछ रेगुलर कुर्ती, जो आप डेली वेयर में भी पहनते हैं ना, इस तरह की कुर्तियाँ घर में या फिर कहीं जाना है थोड़ी देर के लिए मार्केट वगैरह, तो वो कलेक्शन काफ़ी अच्छे थे, कलर्स भी बहुत अच्छे थे और सारे कॉटन के थे। ओनली 299 में, तो कहाँ मिलता है यार, मीशो में भी मिलता है लेकिन बहुत ही चीप कपड़ा होता है। ये सारे अच्छे थे, ये देखो ये कितना अच्छा, थोड़ा सा पार्टी वियर लग रहा है नॉर्मल पूजा वगैरह में पहनने के लिए। तो हर एक कलर्स के थे, हर एक साइज़ के थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मोस्टली येलो के बहुत ज़्यादा कलेक्शन थे इस बार रिलायंस में, जो कि मुझे अच्छे लगे। मुझे ना येलो पे देख के ही दिल कर जाता है कि कुछ लेने का, क्योंकि येलो मेरा फेवरेट है। तो इस तरह के कुर्तियों के कलेक्शन थे, बहुत ही चीप प्राइस 299 में कभी नहीं मिलता। इसकी एक्चुअल प्राइस 499 थी, जो अभी सेल में 299 में मिल रही है और बहुत ही अच्छे अच्छे आप देख सकते हो, पीच कलर में भी थी, तो बहुत अच्छे कलेक्शन है रेगुलर कुर्ती के। फिर मैं इधर देखी कि थोड़ा जोगो टाइप का कुछ था, जो आप घर में भी पहन सकते हो और बाहर भी बहुत कंफर्टेबल रहता है। और ये कुछ स्कर्ट था जो आज के बहुत ट्रेंडी में है और प्रिंटेड है, इसमें भी बहुत सारे साइजेस अवेलेबल हैं। और यहाँ पे देखिए 199 में टी शर्ट है, डेली वेयर के हिसाब से बाहर से बाहर भी जा सकते हो, तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये वाले ऊपर वाले जो है ना, ये अभी जो मैं दिखा रही है 299 के हैं, अच्छे थे कलेक्शन, कंफर्ट है इनके कपड़ों में, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। आप कहीं भी, आपके अगर नियर स्टोर है रिलायंस, तो वहाँ पे जाके विजिट करके आप ले सकते हो। और ये सब देखो क्रॉप टॉप वगैरह इतने सुंदर सुंदर से थे ना, और बहुत ही कम रेट में, मतलब आप समझ सकते हो अप टू 70% है तो क्या ही होगा रेट। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी अपने लिए कुछ देख रहे थे, जेंट्स के भी कलेक्शन बहुत ही अच्छे थे, वाइट जीन्स वो देख रहे थे जिन्हें लेना था। मुझे ये बहुत अच्छा लगा और रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं था, 699 के आसपास की ये जीन्स थी, बट साइज़ में थोड़ा इशू आ रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे जीन्स के कलेक्शन है, कॉटन जीन्स होता है ना उसके कलेक्शन है, सारे कलर्स हैं, साइजेस भी अवेलेबल है। तो मैं ये कहूँगी फटाफट आप चेकआउट करो अपने नियर स्टोर पे जाके और लो। ये देखो कुर्तियाँ जो 499 के आसपास की थी और बहुत ही अच्छे थे पार्टी वियर के हिसाब से। कभी कभी हमें भी थोड़ी सी वर्क वाली कुर्ती पहनने का मन करता है, इस तरह की कुर्तियाँ थी, मुझे काफ़ी अच्छे लगे और साइजेस भी अवेलेबल थे। कुछ में साइज़ नहीं थे, बट आप देखो 599 का है ना, अभी ये मैं आपको सेल का प्राइस दिखा रही हूँ जो येलो कलर का और एक्चुअल प्लस 699 का है। तो ये वाले सारे सेल में हैं, कलर्स भी हैं, साइजेस भी हैं, बहुत अच्छा कलेक्शन है। और सबसे बड़ी बात क्या है, कॉटन है तो अच्छा लगता है, कंफर्ट आता है गर्मी में पहनने का, और ये मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने बोला चलो इसका साइज़ मंगवा के मैंने ले लिया। इस तरह के आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, मैं डिस्प्ले में कितने सा, यहाँ पे लैगिंग ही कल लैगिंग भी उसमें चल रही है सेल में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जितनी जल्दी हो सेल ख़त्म होने से पहले आप जाके कुछ ना कुछ ख़रीद लो इस समर के लिए, क्योंकि नेक्स्ट समर में भी काम आएगा। और ये प्लाजो थे, थोड़े उस टाइप के हल्के से रहते हैं ना, ऐसा स्ट्रेचिंग वाला वो था, अच्छे थे बट मुझे ना उतना पसंद नहीं आया ये चीज़। और इधर कॉटन पैंट्स थे जो बहुत ट्रेंडी है, और यहाँ पे ना मैंने देखा कि एल साइज़ 499 में मिल रहा, तो मेरे को बहुत ये पसंद आ गया था। गोल्डन आजकल बहुत ट्रेंड में है, और साथ में कुर्ती और नीचे प्लाजो धोती टाइप का पैंट था, तो ये मुझे पसंद आ गया। और ये मैं रेड वाला इससे देख ले रही है, इसके जस्ट पीछे ये वाला, क्योंकि मैंने अजियो में ये देखा था और मुझे वहाँ पे ना 599 में मिल रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आया था कि एक्चुअल में ये कैसे है, तो सामने देख लिया तो समझ में आ गया क्या है। तो यहाँ पे आप देख लो 499 में। फिर मैंने इसका साइज़ बोला कि उनको स्टोर वाले को कि आप मुझे साइज़ दे दो, तो बहुत अच्छे थे। और ये मुझे ना बहुत अच्छा लगा, पिंक इतना सुंदर सा गाउन टाइप का है, आप कहीं घूमने जा रहे हो, हनीमून भी जा रहे हो, वैकेशन भी जा रहे हो, तो आप ले सकते हो। ये भी गोल्डन बहुत ही ज़्यादा थ्रेड वर्क में थे सारे, और इसका कलर भी बहुत अवेलेबल है, साइजेस भी है, आप तो फटाफट जाओ और ले लो। और रिलायंस में एक बात है कि रिजनेबल प्राइस में रहता है, बहुत महंगा नहीं रहता है। यहाँ पे देख सकते हो कि मैं ना सारी ट्राई करी थी, कौन कलर अच्छा लग रहा है, कौन कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो एज इज मुझे येलो बहुत पसंद आ रहा था, बट इस बार मैंने बोला येलो नहीं लेना, कुछ और लेना है, तो फाइनली ये मुझे साइज़ मिल गई थी
और मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। इसका एक्चुअल प्राइस 2000 समथिंग था और ये मात्र पड़ रहा था 500 में। तो ये मैंने बाय किया। ये कुछ शॉर्ट कुर्तियों के कलेक्शन भी काफ़ी अच्छे थे, हर एक डिफरेंट डिफरेंट कलर में, क्वालिटी में बहुत ही अच्छे थे। तो आप जिसको बहुत पहनते हैं, उसके बाद हम लोग चले गए किड्स में। ऐसा हो सकता है कि आपके पास किड्स और किड्स सेक्शन में ना जाए, वहाँ पे बहुत सारे रॉम्फर थे कलेक्शन, टी शर्ट बॉयज़ के टी शर्ट थे, गर्ल्स के भी थे, बहुत ज़्यादा कलेक्शन थे। बट मुझे ना किड्स में उतना कुछ पसंद नहीं आया, तो मैंने इसलिए कुछ लिया नहीं वहाँ से। और ये जो होते हैं डेली वेयर्स के हाफ पैंट होते हैं जेंट्स के, ये भी बहुत ज़्यादा ही थे, लेकिन थोड़े मुझे लगे ये कॉस्टली हैं। इतने कॉस्टली होनी नहीं चाहिए जितनी कॉस्टली थे। अराउंड ये 699 का था, थोड़े कॉस्टली थे। ईवा अपनी शॉपिंग खुद से कर रही है, जो कि बहुत ही बेकार सा इन्हें कुर्ता उठाया, पता नहीं किसके साइज कट है, बट ठीक है, बच्चों का चलती रहता है। ऐसे ही वहाँ पे कलेक्शन बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे, टी शर्ट वगैरह जेंट्स की भी बहुत अच्छी आई थी, न्यू अराइवल भी कलेक्शन आ गए थे मार्केट में, और कुछ विंटर के भी कलेक्शन यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि विंटर यहाँ बहुत जल्दी आ जाती है। तो आप देख सकते हो, मैं आपको ऐसे दिखा सकती हूँ कि थोड़े थोड़े करके जेंट्स के भी कलेक्शन। तो मैं कहूँगी कि जितनी जल्दी हो आप रक्षाबंधन में शॉपिंग करिए, और सस्ते शॉपिंग किसको नहीं पसंद है। तो आप अगर अच्छा लगा मेरी वीडियो को तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।